नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रदीप वर्गनी, कंसल्टेंट इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं COVID-19 या कोरोना इन्फेक्शन और हार्ट की बीमारी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि COVID-19 जो है वो हार्ट को डैमेज कर सकता है क्या? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। COVID-19 एक जो वायरस है वो फेफड़े में पानी जमा कर सकता है। तो फेफड़े के पानी जमा होने के कारण हार्ट को जो ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए वो कम हो सकता है। वो खुद हार्ट का इन्फ्लेमेशन कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं, जिसे वायरल मायोकार्डाइटिस बोल सकते हैं। COVID-19 अचानक से हार्ट की पंपिंग की क्षमता कम कर सकता है, जिसे आप स्ट्रेस मायोकार्डाइटिस बोल सकते हो। इसमें एक कैटेकोलामाइन नाम के कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं, जिसके कारण हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी अचानक से कम हो जाती है। इसके और क्या क्या हो सकता है? उससे COVID-19 से एक साइटोकाइन स्टॉर्म जैसे एक कंडीशन आते हैं, जिसमें जो शरीर है, शरीर की जो संरक्षक पेशियां है वो वायरस को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये वायरस के मारने की कोशिश में कभी कभी हार्ट की पेशियां या कई के भी अंग की पेशियां ये डैमेज हो जाता है, जिसके कारण हार्ट का जो पंपिंग है या बाकी चीज है वो कम हो सकती है। हार्ट रेट और COVID-19 का क्या संबंध है, इसके बारे में भी काफी सवाल है। तो हार्ट रेट आपने काफी लोगों को ऑब्जर्व किया है, या आपको खुद को अगर COVID-19 हुआ है तो आपने भी ऑब्जर्व किया कि COVID-19 होने के बाद काफी लोगों का हार्ट रेट अचानक से अनियमित हो गया, किसी का बढ़ चुका है, किसी का कम हो चुका है। तो इसमें एक पॉट्स करके कंडीशन जिसे पाई जाती है, पोस्टुरल ऑर्थोस्टेटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम, ये कार्डियोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन दोनों हैं। इसमें अचानक से हार्ट रेट का कम ज़्यादा होना और ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएट होना होता है, तो ये COVID-19 के बाद काफ़ी कॉमन। साथ में जो हार्ट फेल्योर है, यानी हार्ट अचानक से पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाना या अचानक से थक जाना, ये काफ़ी COVID-19 के बाद कॉमन है। इसका ये है कि COVID-19 में जो फेफड़े में पानी भर जाता है या हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, उसके कारण हार्ट अचानक से थक जाता है और पेशेंट को सांस फूलने लगती है, पैरों पर सूजन आने लगती है और बाकी चीज़ें होने लगती हैं। क्या COVID-19 में चेस्ट पेन होगा? हाँ, तो हो सकता है। अगर आप सांस लेने टाइम पे आपको पेन हो रहा है तो वो इन्फ्लेमेशन के कारण होता है, कोविड वायरस के इन्फ्लेमेशन के कारण। हाँ, अचानक से और बहुत ज़्यादा आपको अगर पेन हो रहा है और सांस भी फूल रही है तो वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी फेफड़ों की नसों में खून का थपका जम जाना हो भी सकता है, तो उसमें भी अचानक से और एकदम से ज़्यादा पेन होता है, तो ये भी COVID-19 का कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा क्या हार्ट अटैक के सिम्टम COVID-19 में आते हैं? हाँ, मायोकार्डाइटिस अगर आपको होता है तो आपको छाती में दर्द होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है तो छाती में दर्द होता है, तो हाँ, हार्ट अटैक में जैसे छाती में दर्द होता है, सांस फूलता है, ये सब चीज़ें, ये सब रोग लक्षण COVID-19 में आते हैं। इसके कारण ये काफ़ी उलझाऊ चीज़ हो जाती है कि आपको हार्ट अटैक है कि COVID-19 की ये कॉम्प्लिकेशन। तो इसके लिए आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, आपका एक बेसिक वर्कअप यानी ECG 2D को ये करा लेना चाहिए, तो इससे सब चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। क्या हार्ट अटैक के चांसेस COVID-19 के बाद में बढ़ जाते हैं? तो हाँ, क्योंकि COVID-19 जो है ये ऐसा वायरस है जिसमें खून का थपका जम जाने की टेंडेंसी बॉडी में बढ़ जाती है। वो हार्ट की नसों में भी हो सकता है, फेफड़े की नसों में भी हो सकता है, ब्रेन की नसों में भी हो सकता है, पैर की नसों में भी हो सकता है। हाँ, तो हार्ट अटैक के चांसेस। क्या COVID-19 से परमानेंट हार्ट डैमेज होता है? तो COVID-19 से परमानेंट हार्ट डैमेज होगा कि नहीं, ये इस अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ स्टडीज बता रही है कि चांसेस तो बढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन COVID-19 के तो अभी तक तो हो रहे हैं, अभी 2 से 3 साल COVID-19 को जो हो रहे उसमें तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन काफ़ी दिख रहे, लेकिन परमानेंट डैमेज कितना होगा, क्या होगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। तो ये है कुछ COVID-19 और दिल की बीमारियों के बारे में डिस्कशन। आपको कोई भी ऐसा लगे कि छाती में दर्द हो रहा है, सांस फूल रहा हो, तो आप तुरंत आपके कार्डियोलॉजिस्ट को मिलें, घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत बार ये वायरल इन्फेक्शन होने के कारण आपको
कुछ दिन के लिए अनइजीनेस, चेस्ट पेन, सांस फूलना ये हो सकता है, लेकिन आपको एक बार अपने कार्डियोलॉजिस्ट या डॉक्टर को मिलके आपकी सही जांच कर लेनी चाहिए। थैंक यू।